गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास ऑफ एसेस। हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, रूलिंग द कंट्री साइड, या फिर जो देहात है उस पर शासन करना किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। हम पढ़ रहे थे पॉलिसीज़ जो रेवेन्यू पॉलिसीज़ अंग्रेज़ों ने शुरू की थी उनके बारे में। क्रॉस फॉर यूरोप, यूरोप के लिए फसलें उगाई गई कौन सी। ब्रिटिश दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू, इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड बाई लेट 18th सेंचुरी। कंपनी पर्सुएडेड आर फोर्स कल्टिवेटर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया टू इंट्रोड्यूस अदर क्रॉप्स, जूट इन बंगाल, टी इन असम, शुगर केन इन उत्तर प्रदेश या फिर यूनाइटेड प्रोविंस, वीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, राइस इन मद्रास। द ब्रिटिश यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे वर नीडेड। जो अंग्रेज़ थे उनको ये भी रियलाइज हुआ कि गांव में जो गांव थे उनको उनसे ना केवल रेवेन्यू लिया जा सकता है बल्कि वो फसलें हम उगवा सकते हैं जो यूरोप में या फिर अंग्रेज़ों को ज़्यादा ज़रूरत थी। 18th सेंचुरी ख़त्म होते होते जो कंपनी थी उसने देश के अलग अलग हिस्सों में जो किसान थे उनको फोर्स किया कि वो वही फसलें उगाएं, बंगाल में जूट, असम में टी, उत्तर प्रदेश में शुगर केन या गन्ना, पंजाब में वीट, महाराष्ट्र और पंजाब में कॉटन और मद्रास में राइस। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने ये जो क्रॉप्स थी या फिर उनकी आवश्यकता की जो फसलें थी उनको उगाने के अलग अलग तरीके अपनाए। डस कलर हैव हिस्ट्री, क्या कलर की, कलर रंगों का भी कोई इतिहास है। कलमकारी प्रिंट वॉज क्रिएटेड बाय वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया। अ फ्लोरल कॉटन प्रिंट वॉज डिजाइन एंड प्रोड्यूस बाय आर्टिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटेन। देर वॉज वन कॉमन थिंग इन टू प्रिंट, बोथ यूज अ रिच ब्लू कलर कॉमनली कॉल्ड इंडिगो। इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाइड यूज इन द फ्लोरल प्रिंट इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन वॉज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया। इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। जो कलमकारी की जो छपाई थी वो आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा की जाती थी। इससे कपड़े के ऊपर क्या थे, फ्लोरल कॉटन कपड़े के ऊपर फ्लोरल प्रिंट थे वो डिज़ाइन किए जाते थे। और बाद में जो 19th सेंचुरी थी ये जो कलमकारी है ये ब्रिटेन के जो आर्टिस्ट थे उनको भी आ गई, ठीक है। अब इन प्रिंट्स में क्या एक कॉमन थिंग थी, दोनों एक बहुत ही अच्छा नीला रंग इस्तेमाल करते थे जिसको इंडिगो कहा जाता था। उन दिनों ये जो ब्लू डाइज थी ये एक मैक्सिमम इस्तेमाल होता था फ्लोरल प्रिंट्स में। और कहाँ ये जो इंडिगो था ये ब्रिटेन में बनाया जाता था उन पौधों के द्वारा जो भारत में उगाए जाते थे। तो भारत में इंडिगो की फसल उगाई जाती थी और उसको बाद में ब्रिटेन भेजा जाता था, वहाँ पर इंडिगो प्रोड्यूस किया जाता था। उस समय विश्व में भारत इंडिगो का सबसे बड़ा सप्लायर था। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, क्यों भारत के इंडिगो की डिमांड्स थी जो बढ़ गई। बाय द 19th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज बीइंग यूज बाई क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ। However, the only small amount of Indian indigo reached the European market and its price was very high. European cloth manufacturer depended on another plant called woad to make violet and blue dyes. Worried by competition from indigo, woad producers in Europe pressurized their government to ban the import of indigo. जो 13th सेंचुरी थी उसमें जो इंडिगो भारत का इंडिगो था वो इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के जो कपड़े के व्यापारी थे या फिर कपड़े के उत्पादक थे उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि जो इंडिगो की जो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी थी उसकी यूरोप के मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमत थी। यूरोपियन जो कपड़ा बनाने वाले थे उन्होंने एक और प्लांट उगाना शुरू कर दिया जिसको वोड कहा जाता था, जो जामुनी और हल्का ब्लू रंग देता था, लेकिन वो इंडिगो जितना अच्छा कलर नहीं देता था। इसलिए इंडिगो के साथ कंपटीशन को रोकने के लिए जो यूरोपियन व्यापारी थे और वोड के प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने अपने देशों की सरकारों पर दबाव डाला कि वो इंडिगो का जो आयात है उसको रोक दें। क्लोथ डायर्स हाउएवर इंडिगो एज अ डाई प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर वेयर द डाई फ्रॉम द वोड वॉज पेल एंड डल। By the 17th century, European cloth European cloth producers persuaded their government to relax the ban on indigo import. The French began cultivating indigo in St.
Dominic Yu in the Caribbean island, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica, and Spanish in Venezuela. Indigo plantations also came up in many parts of North America. Yes, अब जो क्लोथ डायर थे वो इंडिगो कलर का इस्तेमाल को प्राथमिकता देते थे डाई के लिए. इंडिगो से बहुत ज़्यादा सुंदर नीला रंग निकलता था, जबकि जो वोट से डाई करने पर जो कलर होता था वो डल होता था, वो उतना चमकीला पेल होता था, मीन चमकीला नहीं होता था. 17th सेंचुरी में जो यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर थे उन्होंने अपनी सरकार को कहा कि अब वो इंडिगो के इंपोर्ट में बैन कम कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्रांस थे, फ्रांस या फिर यूरोपियन कंट्री थे, उन्होंने अपने देशों में इंडिगो उगाना शुरू कर दिया. फ्रेंच ने जो सेंट डोमिंगो जगह थी कैरेबियन आइलैंड में, वहाँ पर ब्राज़ील में पोर्टुगीज़ ने, जमैका में अंग्रेज़ों ने, वेनेजुएला में स्पेनिश ने इंडिगो प्लांटेशन करना शुरू कर दिया था. ये इंडिगो प्लांटेशन थी, ये नॉर्थ अमेरिका में भी की जाने लग गई थी. इन वेस्ट चंपारण एरियाज अराउंड द बेतिया डिस्ट्रिक्ट वाज एक्सटेंसिवली यूज फॉर इंडिगो प्लांटेशन. दिस लेफ्ट द अपर फर्टाइल लेयर सो डिवाइड ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ड्रेन द लैंड फॉर कल्टिवेशन. To this day, lands where indigo was grown are barren in contrast to highly fertile lands of Indo-Gangetic plains where West Champaran district is located. अब देखो जो वेस्ट चंपारण है, पश्चिमी चंपारण की जो एरिया है, जो बेतिया जिले के चारों ओर का जो हिस्सा है, वहाँ पर इंडिगो की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती थी, जिसके कारण जो उसकी ऊपरी सतह थी मिट्टी की, उसके सारे जो न्यूट्रिएंट्स थे डिवाइड, मतलब वो ख़त्म होने लग गए, और जो कल्टीवेशन के लिए जो ज़मीन थी और दूसरे खेतों फसलों के लिए ख़राब हो गई, जिसके कारण जो ज़मीन थी जहाँ पर इंडिगो उगाया जाता था वो धीरे धीरे वो बहुत तेज़ गति से क्या होने लग गई, बंजर होने लग गई. नेक्स्ट है आपका, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर. ब्रिटेन बिगिन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली, क्रिएटिंग इनार्मस न्यू डिमांड्स फॉर क्लॉथ डाइज. वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज, इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाई कोलैप्स फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस. क्लॉथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ desperately looked for new sources of indigo supply. 18th सेंचुरी के ख़त्म होते होते जो भारत की इंडिगो की डिमांड थी वो बढ़ने लग गई. अंग्रेज़ थे, उन्होंने औद्योगिकीकरण करना शुरू कर दिया. कॉटन का प्रोडक्शन था, अंग्रेज़ों का जो स्पेशली ब्रिटेन का जो कॉटन प्रोडक्शन था, उत्पादन था, वो नाटकीय तरीके से या फिर बहुत तेज़ी से बढ़ा, और इसलिए जो क्लॉथ डाई या फिर जो कलर्स थे उनकी डिमांड भी बढ़ी. अब जो इंडिगो की डिमांड थी वो बढ़ रही थी, और बहुत सारे कारणों से जो इसकी सप्लाई थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी. अब जो ब्रिटेन के जो क्लॉथ डायर थे, अब वो भारत का जो इंडिगो था या फिर नए सोर्सेज, नए स्रोत चाहिए थे उनको, क्या इंडिगो की सप्लाई के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था. ठीक है बेटा, इतना ही पढ़ते हैं आज हम, आगे कल पढ़ते हैं, कंटिन्यू करेंगे. यहाँ तक भी पढ़ें, डाउट्स को डाउट सेक्शन में क्लियर करें. कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे.